जिस दिन मेरे आंसू बोलेंगे तेरे आंगन भी श्रापित होंगे। जिस दिन मेरे आंसू बोलेंगे तेरे आंगन भी श्रापित होंगे। तुम बढ़ चढ़ बोल रहे, भरे समाज लंगोट खोल रहे। जो मैं द्रौपदी से केश खोलूंगी तेरे यौवन सावन जल जाएंगे। नहीं संभलता तुमसे तुम्हारा उस तरह गंडासा डंडा लंडा। मैं भी नाखूनों दातूनों को धार लगाती हूँ। नहीं संभलता तुमसे तुम्हारा उस तरह गंडासा डंडा लंडा। मैं भी नाखूनों दातूनों को धार लगाती हूँ। देवी कहकर घर घर घुसकर मुझे उछाला है। बहुत बन चुकी सरस्वती अन्नपूर्णा, मैं दुर्गा चंडी बनकर दिखाती हूँ। सीने पर चढ़ चढ़ हाथ जकड़कर बहुत मर्दानगी बरपाई तुमने। सीने पर चढ़ चढ़ हाथ जकड़कर बहुत मर्दानगी बरपाई तुमने। मैं भी टांगों के बीच एक पैनी धार चलाती हूँ। मैं जननी हूँ, मृति ही बनकर दिखाती हूँ। मैं जननी हूँ, मृति ही बनकर दिखाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है युविका और आज मैं जो आपसे कहने आई हूँ या सुनाने आई हूँ वो है नर नारी हर रहा। क्योंकि सदियों से तो यही रीत चली आ रही है कि नर नारी हर रहा। अगर ये नारी सोचे कि मुझे देवी नहीं बनना है, मुझे भी इंसान बनना है, नर जैसा, वैसा इंसान जो नर नारी हर रहा। होठ जलते मुस्कुराहटों से आंखों में भी संवाद है। माथे की लकीरें सिमटी, दिल धड़कने संभाले। काया की कांति को, मन की इस शांति को देखता अनमिश पुरुष। ये जो ईव टीजिंग होती है मेट्रो में, बसेस में, जो लोग घूरते हैं, और विश्वास नहीं होगा आप लोगों को शायद, लेकिन ये पहला पैराग्राफ तो मैंने एक खुद के बीते हुए इंसिडेंट से ही लिखी है। मैं नोएडा से वेस्ट दिल्ली आ रही थी और पूरे रास्ते देयर वाज अ गाय जो घूर रहा था। तो पहले तो मैंने सोचा इतनी भीड़ है क्या ही कर लेगा, घूर रहा है घूरने दो, जो बदतमीज़ हैं वो तो बदतमीज़ रहेंगे। लेकिन राजीव चौक बीत गया, बहुत भीड़ थी, वो नीचे फ्लोर पे बैठ गया और ऐसे टिल्ट होके ही वॉज नॉट जस्ट स्टेयरिंग, वो बड़े ही अजीब से इशारे कर रहा था। तो मैं उठकर लेडीज़ कोच में चली गई और जब मेरा स्टेशन आने वाला था, मैं दो तीन स्टेशन पहले उतर कर कैब करके घर गई कि इन केस इफ़ ही इज़ फॉलोइंग तो एटलीस्ट मैं सेफ तो पहुँच जाऊँ। तो तब दिमाग से नहीं निकली ये बात कि मतलब इतना अनकंफर्टेबल कर दिया है कि शांति से एक लड़की ऑफिस से घर जा रही है लेकिन शांति से नहीं जा सकती, वो भी उतनी ही थकी हुई होती है, उसे भी ऑफिस में वैसे ही परफॉर्म करना होता है और वो भी उतनी ही परेशान होती है। लेकिन आप लोग सड़क पर भी उसे जीने नहीं देते, उसे उसके अकेलेपन में भी शांति से नहीं रहने देते हैं। होठ जलते मुस्कुराहटों से आंखों में भी संवाद है। माथे की लकीरें सिमटी, दिल धड़कने संभाले। काया की कांति को, मन की इस शांति को, नारी की गरिमा को देखता अनिमिष पुरुष। नशे में धुत खड़ा, पौरुष के दंभ में रम्य, मलिन नेत्रों से नारी हर रहा। इस संयम को तोड़, मर्यादाओं को छोड़, हर बंध को तोड़, ये ज्वार नारी हृदय में उत्थान करे। हर काया हो मेनका, मन में पूतना सुरपणखा, मंथरा स्थान करे। नर दुकूल ढूंढे लाज का, दुकूल होता है दुपट्टा। हर काया हो मेन का, मन में पूतना सुरपणखा, मंथरा स्थान करे। नर दुकूल ढूंढे लाज का, वर्षों से पतित पौरुष उस दिन संपूर्णतः मर जाएगा। जिस दिन नारी में नर सा शिथिल हपशी घर कर जाएगा। सारे उपदेश परे होंगे, गुरु ज्ञानी स्तब्ध खड़े होंगे। सारे उपदेश परे होंगे, गुरु ज्ञानी स्तब्ध खड़े होंगे। हट संभोग का खंजर, जिसे कहता है समाज अबला की आंखों का पानी। आंचल का दाग या निशानी, नस नस नश्तर बन दौड़ेगा। ना उगल सकोगे ना निगल सकोगे, उस उत्थान का वशीकरण ना होगा। पुरुष तुझसे चंडी का हरण ना होगा। नर नारी से नर, कहते तो यही है कि अर्धांगनी है, और मुझे लगता है सिर्फ औरतें ही इस बात को समझती हैं, इसलिए ना ही उन्हें ये ज़रूरत पड़ती है कि आप हमारा नाम मत लीजिए या हमारे पैर छूइए। मर्दों को अपनी पौरुष दिखाने के लिए बड़े आडंबर करने पड़ते हैं।
नर नारी से नारी से नर, अर्ध अंग को नित लजाते हो, अर्ध अंश पर जोर आजमाते हो। कैसा है ये पौरुष, कैसा ये शौर्य है, स्वयं को कुचल रहा तेरा मलिन अंतःकरण, तेरा पतन कर रहा, तेरा मलिन अंतःकरण, तेरा पतन कर रहा। धन्यवाद। बेहतरीन नज़मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।